हेलो स्टूडेंट्स, डाउट हट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 8वीं गणित की प्रश्नावली 6.2। तो आइए प्रश्न संख्या एक से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या एक है, निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये चैप्टर वर्ग और वर्गमूल से संबंधित है। यहाँ पर हमें संख्याएँ दी हुई हैं, हमें उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। पहली संख्या हमें दे रखी है 32, हमें 32 का वर्ग निकालना है। तो बच्चों, हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है, हम 32 को लिख लें 30 जमा 2, और फिर हम कर दें इसका वर्ग। तो 32 को हम लिख सकते हैं 30 जमा 2। तो हमें 32 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 30 जमा 2 का वर्ग। अब सूत्र बच्चों हमारे पास है a जमा बी का वर्ग। ये हमारे पास होता है a का वर्ग जमा बी का वर्ग जमा 2ab। ये सूत्र हमारे पास, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहां पर a हमारे पास हो जाएगा 30 और b हो जाएगा 2। मैं लिख देता हूं बच्चों यहां पर आपकी सुविधा के लिए, a को हमने लिया 30 और b हमारा हो जाएगा 2। तो a जमा b का वर्ग बराबर a का वर्ग, a है 30 तो 30 का वर्ग जमा b का वर्ग, b है 2, 2 का वर्ग जमा 2 गुणा a, a है 30 गुणा b, b है 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 का वर्ग 30 गुणा 30 जमा 2 का वर्ग 2 गुणा 2 जमा 2 गुणा 30 गुणा 2, 2 गुणा 2 4 गुणा 30। बच्चों 3 गुणा 3 9, 2 जीरो लग जाएंगे, 30 गुणा 30 हो जाएगा 900 जमा 2 गुणा 2 4 जमा 4 गुणा 30 120। इसको जोड़ देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1024। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 32 का वर्ग। या फिर आपके पास एक तरीका ये है कि आप क्या करो, 32 का वर्ग निकालना है आपको, तो 32 गुणा 32, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग होता है उस संख्या की उसी संख्या से दो बार गुणा। तो 32 गुणा 32 करेंगे हम तो भी हमारे पास आएगा 1024। आप 32 गुणा 32 करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आप वर्ग निकाल सकते हैं। दूसरा पार्ट करते हैं इसका, 35 का वर्ग। एक तरीका बच्चों आपके पास है 35 गुणा 35, ये वर्ग हमारे पास हो जाएगा 1225। देखो बच्चों, यहाँ पर आपने 35 गुणा 35 आप करोगे इस तरह से, 35 को 35 से गुणा करनी पड़ेगी। आपके पास ये तरीका है, ऐसे गुणा करते हैं आप। इसका एक बच्चों शॉर्ट तरीका भी, एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो मैंने आपको पहले एक वीडियो में बता भी था कि जो संख्या 5 पर ख़त्म होती है या जिस संख्या में इकाई का अंक 5 है, उस संख्या का वर्ग करना हो तो बहुत आसान है। उसमें आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उस ट्रिक से गुणा निकाल सकते हैं, उसका वर्ग कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 35 का वर्ग करना है बच्चों। तो यहाँ पर देखो इकाई अंक कितना है, 5, तो हमें क्या करना, 5 का वर्ग कर दो 25, और 3 को गुणा कर दो अगली संख्या से 4 से, 3 गुणा 4 12, तो 1225। अब हम करेंगे 35 का वर्ग दूसरे तरीके से। 35 को हम लिख सकते हैं 30 जमा 5, इसका वर्ग a जमा b का वर्ग, a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab। यहाँ पर हमारे पास a क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों हमारे पास a हो जाएगा 30 और b हो जाएगा 5। a का वर्ग 30 का वर्ग जमा बी का वर्ग 5 का वर्ग जमा 2 गुणा ए, ए है 30 और बी है 5। हमने सिर्फ ये सूत्र लगाया है, बराबर 30 का वर्ग 30 गुणा 30, 5 का वर्ग 5 गुणा 5, पहले हम 2 के 5 की गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा 5 10, 10 गुणा 30, ये हमारे पास हो जाएगा 900, ये 25, 10 गुणा 30 300। इसको जोड़ेंगे बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा 1225। तो हम किसी भी तरीके से वर्ग को निकाल सकते हैं।
तीसरा पार्ट करते हैं, 86 का वर्ग, 86 गुणा 86। अब 86 को 86 से गुणा करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 7396। अब हम करेंगे इसका वर्ग सूत्र की सहायता से, 80 जमा 6 लिखेंगे 86 को, इसका वर्ग इसको लिख लिया 80 जमा 6 में, ए जमा बी का सूत्र लगाएंगे, ए यहाँ पर है 80, बी है 6, ए का वर्ग 80 का वर्ग जमा बी का वर्ग 6 का वर्ग जमा 2 गुना ए, ए है 80 और बी है 6। इस सूत्र से 80 का वर्ग हो जाएगा 80 गुणा 80 6400, 6 का वर्ग 36, 2 गुणा 80 गुणा 6, 2 गुणा 6 12, 12 गुणा 80 960। ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 7396। अगला पार्ट है 93 का वर्ग, 93 गुणा 93 करके भी कर सकते हैं आप, सूत्र से कर देते हैं हम, 90 जमा 3 का वर्ग, ए जमा बी का वर्ग, ए का वर्ग ए है यहाँ पर 90, जमा बी का वर्ग बी है 3, जमा 2 गुणा ए, ए है 90 और बी है 3। इस सूत्र से 90 का वर्ग 90 गुणा 90 8100, 3 का वर्ग 3 गुणा 3 9, जमा 2 गुणा 90 गुणा 3, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 90 540। ये आ जाएगा हमारे पास, इसका जोड़ कर देंगे, ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 8649। 71 का वर्ग करते हैं, 71 को लिखेंगे 70 जमा 1, ए है 70 बी है 1, सूत्र लगाएंगे ए का वर्ग 70 का वर्ग जमा बी का वर्ग 1 का वर्ग जमा 2 गुणा ए, ए है 70 और बी है 1, आपस में गुणा में है, 70 का वर्ग 70 गुणा 70 49100, 1 का वर्ग 1 जमा 2 गुणा 70 गुणा 1, 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 70 140। ये हमारे पास आ जाएगा 5041। छठा भाग करते हैं 46 का वर्ग, 46 को लिखेंगे 40 जमा 6 का वर्ग, यहाँ पर हम ए जमा बी का वर्ग इस सूत्र से कर रहे हैं, आप इनको सीधा भी कर सकते हैं, 46 का वर्ग हो जाएगा 46 गुणा 46, क्योंकि छोटी संख्याएं हैं तो यहाँ पर आप बिना सूत्र के भी कर सकते हैं। ए जमा बी का वर्ग, ए का वर्ग ए है 40, बी है 6 जमा 2 गुणा ए गुणा बी, 40 का वर्ग हो जाएगा 40 गुणा 40 1600, 6 का वर्ग 6 गुणा 6 36, 6 का वर्ग 6 गुणा 6 36, 2 गुणा 40 गुणा 6, 2 गुणा 6 12, 12 गुणा 40 480। ये हमारे पास आ जाएगा 2116। तो बच्चों इस तरह से हम संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं सूत्र की सहायता से भी, और सीधे गुणा करके भी आप निकाल सकते हैं।